जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से परिवार सर्वेक्षण या हाउस होल्ड सर्वे और आउट ऑफ स्कूल सर्वे करना है। आज की वीडियो में हम परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र कैसे भरना है और उसका विवरण प्रेरणा पोर्टल पर सही से कैसे अपलोड करना है और आउट ऑफ स्कूल सर्वे प्रपत्र कैसे भरना है उदाहरण के साथ सभी भरे हुए प्रपत्र देखेंगे और साथ ही साथ सर्वे प्रपत्र भरते समय आ रही सभी समस्याओं और कुछ ऑप्शन में आ रही कन्फ्यूजन का समाधान भी जानेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मुखिया से संबंध वाले और राशन कार्ड को लेकर है। साथियों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। अब सबसे पहले परिवार सर्वेक्षण प्रारूप में आप सबसे ऊपर जनपद, ब्लॉक, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत का नाम लिख देंगे। इसके बाद परिवार के मुखिया की जानकारी में आप अगर परिवार का राशन कार्ड हो तो उसका नंबर और अगर नहीं है तो खाली रहने देंगे। इसके बाद मुखिया का नाम और उसकी उम्र भर देंगे। अब इसके बाद आगे के कॉलम में आपको इस प्रारूप में दिए गए कोड का इस्तेमाल करना है। जैसे जेंडर में पुरुष है तो एक, महिला के लिए दो, वैवाहिक स्थिति में विवाहित के लिए एक, अविवाहित के लिए दो आदि। सामाजिक वर्ग में जैसे यह अनुसूचित जाति में आते हैं तो हमने इस लिस्ट में से तीन नंबर यहाँ पर लिख दिया है। अब अगले कॉलम शैक्षिक योग्यता में भी आपको यहाँ पर दिए गए कोड में से जो भी मुखिया की योग्यता हो, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट आदि, वह कोड आप यहाँ पर भर देंगे। ऐसे ही व्यवसाय में अगर मुखिया किसान, मजदूर आदि जो भी हो, वह भी आप इस लिस्ट में से कोड लिख देंगे। उसके बाद अगले कॉलम में परिवार की कुल वार्षिक अनुमानित आय भी आपको लिखनी है। इसके बाद मोबाइल नंबर, घर का स्वामित्व में निजी भवन है या किराए का भवन, वह कोड, APL है या BPL और घर का एड्रेस आप लिख देंगे। इसके बाद आपको परिवार के सदस्यों का विवरण भरना है जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक हो। जैसे कि यहाँ पर परिवार के तीन सदस्य हैं, जिसमें से एक मुखिया की पत्नी और उसके एक बहू और बेटा है। इनके नाम, आयु, जेंडर, मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय में गृहिणी, मजदूर आदि आप इन कोड की सहायता से भर लेंगे, जैसे कि ऊपर मुखिया की जानकारी में मैंने आपको बताया है। अब सबसे महत्वपूर्ण कॉलम मुखिया से संबंध में, जिसमें ज्यादातर साथियों को कन्फ्यूजन हो रही है। इसमें आपको सदस्यों का मुखिया से क्या रिश्ता है या वह उनके कौन लगते हैं, वह लिखना है। जैसे कि यहाँ पर सरिता मुखिया महेश की पत्नी है तो हमने कोड 15 यहाँ पर लिख दिया। बबलू महेश के पुत्र हैं तो हमने कोड 14 अन्य लिख दिया। और माही महेश की बहू है तो हमने कोड 14 अन्य भर दिया, क्योंकि इसमें इनका कोई कोड उपलब्ध नहीं है। अब इसके बाद आपको बच्चों का विवरण भरना है जिनकी उम्र 14 वर्ष तक हो। जैसे कि इस परिवार में दो बच्चे हैं, ललिता और मोंटी, तो हमने उनकी उम्र, जेंडर, माता पिता का नाम, मुखिया से क्या संबंध है, जैसे कि पोता पोती है तो 14 अन्य लिख दिया है। अब अगले कॉलम में अगर बच्चा स्कूल में नामांकित है तो उसकी पूरी जानकारी, जैसे कक्षा, स्कूल का नाम, यूडाइस कोड आदि आप भर देंगे। बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो या प्राइवेट स्कूल में, जानकारी आपको सभी की भरनी है। और अगर बच्चा कहीं भी नहीं पढ़ रहा है तो आपको आउट ऑफ स्कूल सर्वे प्रपत्र भरना होगा। अब वो कैसे भरना है वह हम आगे इसी वीडियो में जानेंगे। अब इसी प्रपत्र के नीचे आप सर्वेक्षणकर्ता अपना नाम, मोबाइल नंबर, विभाग का नाम, सर्वेक्षण तिथि और हस्ताक्षर जरूर कर लेंगे। साथियों, अब इस प्रपत्र को प्रेरणा पोर्टल पर कैसे भरना है चलिए वह भी जानते हैं। प्रेरणा पोर्टल पर टीचर लॉगिन ऑप्शन से लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसमें आपको सर्वे हेतु मुखिया जोड़े वाले बटन को प्रेस करना है और परिवार सर्वेक्षण हेतु प्रारूप ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर आपके विद्यालय की सब जानकारी पहले से ही भरी हुई आ जाएगी। आप यहाँ पर मजरा, ग्राम सभा का नाम या मोहल्ला का नाम जरूर भर देंगे।
अब जो आपने प्रपत्र हार्ड कॉपी में भरा था उसमें से आप मुखिया की जानकारी वाले कॉलम में राशन कार्ड नंबर, नाम, आयु, जेंडर लिख देंगे। उसके बाद धर्म, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक वर्ग, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, घर का स्वामित्व, APL है या BPL, आप इन दिए गए ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी बची जानकारी भी आप प्रपत्र में से देखकर आसानी से भर लेंगे। अब परिवार में जितने भी 14 वर्ष से ऊपर के सदस्य हों उनकी संख्या आप इस कॉलम में लिखेंगे। जितनी संख्या आप लिखेंगे उतने ही कॉलम नीचे ऐड हो जाएंगे और आप उनमें सभी सदस्यों की जानकारी एक एक करके भर देंगे। बस यहाँ पर आखिरी कॉलम मुखिया से संबंध में यह ध्यान रखेंगे कि जो कोड की लिस्ट आपको दे रखी है उसमें कुछ संबंध नहीं दिए गए हैं, जैसे कि पुत्र, पुत्री, पोता, पोती, बहू, सास, ससुर आदि। तो आप जब प्रेरणा पोर्टल पर फॉर्म भरें तो इनमें से जो मुखिया से संबंध हो वह सही से सेलेक्ट कर लें। अब अगर कोई सदस्य आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे फाइनल सबमिट करने से पहले रिमूव बटन से हटा भी सकते हैं। अब ऐसे ही आप नीचे फॉर्म में बच्चों की जानकारी में परिवार में जितने बच्चे हों उनकी संख्या लिखेंगे और उतने ही कॉलम नीचे आपको प्रदर्शित हो जाएंगे। फिर आप प्रपत्र में से देखकर आसानी से सभी जानकारियां भर लेंगे। पूरा प्रपत्र सही से भरने के बाद आप नीचे दिए गए फाइनल बटन को प्रेस करेंगे और आपका डाटा सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा। अब अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो उसके लिए आपको यह प्रपत्र भरना है जिसमें आप ऊपर यह सभी कॉलम भर लेंगे। उसके बाद बच्चे का नाम, माता पिता का नाम और अगर माता पिता नहीं हैं तो अभिभावक का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर भर लेंगे। अब जेंडर, धर्म और स्कूल ना जाने का कारण में आप इस लिस्ट में से देखकर कोड भरेंगे। जैसे इसमें स्कूल ना जाने का कारण में मैंने कोड नंबर 1 अपने घर के कार्यों में लगे रहना कारण सेलेक्ट किया है। इसके अलावा बाकी बचे कॉलम आप बच्चे के हिसाब से इस प्रकार भर लेंगे जैसे मैंने इस प्रपत्र में भरे हैं। और साथ ही साथ नीचे लिखी सभी जानकारी भी आप अनिवार्य रूप से जरूर भर लें। साथियों, इन आउट ऑफ स्कूल चिन्हित बच्चों का आपको प्रेरणा DBT ऐप पर रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, जिसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।